कहा कि कब्र जो है आखिरत की मनाजिल में सबसे प्यारी मंजिल है। अगर ये मंजिल ठीक हो गई तो तमाम की तमाम मंजिलें ठीक हो गई। अब देखें हजरत उस्मान जैसी शख्सियत रो रही है, तो कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अप नॉर्थ किया था तो वहां मेरा जब जाना हुआ तो वहां एक कब्रिस्तान में तो मैंने देखा कि भाई बड़ी कब्र, एक बहुत सजीवी कब्र है और उसमें आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं और उसको ऐसा डेकोरेट किया हुआ है कब्र को, और उसमें तस्वीर लगी हुई है और पता नहीं जो मरहूम था उसकी, और एक टेप रिकॉर्डर या कोई ऐसा सिस्टम भी था कि मुस्तकिल जो है वो तिलावत हो रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ये फला कोई है, उनकी कब्र है और उनके बच्चों ने ये किया सब कुछ। तो मैंने कहा यार ये तो बात मुनासिब नहीं है। अब देखिए पहली बात मैं आपसे गुजारिश करूं, दो बातें हैं। कब्रिस्तान जाने का जो हुक्म शरीयत ने हमें दिया है वो इसलिए दिया कि ताकि हम इबरत हासिल करें, ठीक है, इबरत हासिल करें कि भाई एक दिन हमने भी यहीं आना है, यही हमारा मकाम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी जाते थे, आप जो है ओहद के मैदान में सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मुसअब बिन उमैर और जो शुहदा ओहद थे उनकी कबूर पर हाज़िरी देते थे। तो लिहाजा कब्रिस्तान जाना साबित है और वहाँ जा के दुआ करना उनके लिए मग़फ़िरत की बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जाया करते थे, अब देखें कब्रिस्तान, और वो बहुत रोया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि जी आप तो अशराए मुबशरा में से हैं, आप ज़ुल्नूरैन हैं, आप तो हुजूर के दामाद हैं, आप खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने आपको दिया है तो आप क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा कि कब्र जो है आखिरत की मनाजिल में सबसे प्यारी मंजिल है, अगर ये मंजिल ठीक हो गई तो तमाम की तमाम मंजिलें ठीक होंगी। अब देखें हजरत उस्मान जैसी शख्सियत रो रही है, तो कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है। जब हम जाते हैं कब्रिस्तान तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर मिनल मुस्लिमीन वल मोमिनीन अंतुम लना सलफू व नहनु लकुम तब व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून व यरहमुनल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व इय्याकुम। ये हम दुआ पढ़ते हैं, सलाम करते हैं। तो लिहाजा अब कब्रिस्तान के अंदर जाके कब्रिस्तानों को ऐसे सजा देना, ऐसा डेकोरेट करना, तो जिसका कोई देखिए कब्र वाले को उसका क्या फायदा होगा? आप आर्टिफिशियल फूल लगा रहे हैं, आप जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो चीजें डेकोरेशन की चीजें लगा रहे हैं और आप जो है उसकी तस्वीर लगाते हैं और इस तरह से, तो इससे उसको कब्र वाले को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है जी, इससे एतराज़ करना चाहिए और कब्रिस्तान को कब्रों को ऐसे नहीं सजाते कि भाई के जो है वो और उनको सजदागाह भी नहीं बनाना, हुजूर ने लानत फरमाई है तो मना फरमाया। दूसरा जो ये जो तरीका है कि जी टेप रिकॉर्डर लगा देना और मुस्तकिल कुरान की तिलावत हो रही है, देखें इस पे उलमा का इख्तलाफ है। अक्सर उलमा की राय ये है कि कुरान जो सुनना है ना, कुरान का पढ़ना ज़्यादा अफजल है बनिस्बत सुनने के। जो आदमी पढ़ नहीं सकता तो उसको कुरान सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको हर लफ्ज पे 10 नेकियां मिलती हैं, सुनने पे नहीं मिलती, पढ़ने पे मिलती हैं। तो लिहाजा पढ़ना बड़ा अफजल काम है, और जो अब जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसको सुनना वाजिब है। अब ये सारा लाइव होना चाहिए, इंसान पढ़े, लाइव पढ़े, रिकॉर्डेड नहीं, इंसान खुद से पढ़े, तो ये इस पर सवाब मिलता है और इस पर ही बरकात आती है, बरकात नाजिल होती है। तो अब ये जो रिकॉर्डेड है, देखिए रिकॉर्डेड जो है वो उसके अंदर अगरचे वो भी कलाम पाक ही है, उसके अल्फाज हैं और बिल्कुल, तो लेकिन वो जो रूहानियत है ना, असल बात समझने की है, वो नहीं होगी जो खुद से पढ़ने की है। एक इंसान खुद जाता है और खुद से तिलावत करता है, और एक इंसान ने टेप रिकॉर्डर लगा दिया तो उस टेप रिकॉर्डर का कोई फायदा नहीं है। और ऐसी कोई चीज भी जो है, यानी पूरी दुनिया के अंदर
उलमा मशाइख और उनसे ये बात साबित नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर है कि अगर औलिया किराम बुजुर्गान दीन अम्बिया किराम की कबूर हों और आम मुसलमानों की, अगर वहाँ कोई शख्स बैठ कर कुरान की तिलावत करता है या आवाज़ से तिलावत करता है तो उसका तो यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा, तो बड़ी फजीलत की बात है। आप अगर ये टर्की चले जाए ना, तो टर्की के अंदर ये होता है कि जहाँ पर बुजुर्गान दीन या औलिया किराम, तो वहाँ पर हाफिज़ होता है, वो बैठ कर कारी जो है मुस्तकिल तिलावत करता है। इसी तरह से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला के मकाम पर और वहाँ पर जहाँ पर तोप कॉपी म्यूजियम में जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरुकात रखी हैं, तो मुस्तकिल कारी जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा होता है, तो वो अच्छी बात है, वो ठीक है। लेकिन ये टेप रिकॉर्डर वाली बात ठीक नहीं है, इससे जो है वो इतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है जी।